हेलो गाइस, सो वेलकम टू आर चैनल देसी बॉयज इन इटली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हो, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए वीडियो को। और इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तभी क्लिक किया आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है आप लोगों की। कोई नहीं, मेरे जिगर के छल्लो चलता है, कोई नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी बात कि मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो लोगों ने क्लिक बेट यूज़ कर रहे हैं कि डू नॉट कम इटली, ये वो ऐसा वैसा, और बाद में बताते ऐसे हैं कि इटली ही आओ। तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब अपना अपने लिए कर रहे हो, व्यूज़ आने के लिए कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करता। तो हो सकता है किसी को इटली ना पसंद हो सकता है किसी को इटली बहुत पसंद आया हो, जैसे कि मेरा है, मेरे को इटली बहुत पसंद आया ना। तो उसका भी मैं बताता हूँ कि क्यों पसंद आया, कैसे है, क्या नहीं। ठीक है, देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि देखो, इंडिया में भी स्टडी करोगे, अपनी बैचलर्स करते हो या मास्टर्स करते हो, कितना खर्चा आ जाएगा। एक नॉर्मल पब्लिक लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी करते हो, नॉर्मल ही करते हो, तो जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है कि 4 से 5 लाख रुपया आराम से आ जाएगा, 4 से 5 लाख रुपया लग जाएगा, है ना? दैट्स ट्रू। और कहीं ना कहीं उस क्वालिटी की लाइक स्टडी भी नहीं मिल पाएगी जिस क्वालिटी की चाहिए कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहे, सब कुछ रहे ना, उस बिहाब पे। तो मेरे को आज तक क्लियर नहीं हुआ कि लोग किस सिनेरियो में इटली आना चाहते हैं। पैसा कमाना आना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं आना चाहते, या सिर्फ एब्रॉड आने के लिए कर रहे हैं। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात कि ये सच है कि वीज़ा नहीं मिलता इटली का जल्दी। क्यों नहीं मिलता? देखो यार, जो चीज़ के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं ना, वो चीज़ ईजिली नहीं मिलती, ये बात याद रखना। उसके लिए थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और जिस चीज़ के लिए जिसमें तुम पैसा दे रहे हो ना, उसमें चीज़ें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपका वीज़ा आ जाए। क्यों आप पैसा इतना दे रहे हो, 20-25 लाख? फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप बड़ी कंट्रीज उठा लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, कुछ ना करके भी 20 से 25-30 लाख रुपया इंडियन करेंसी में लग जाता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में 60 से 70-80 लाख रुपया आराम से लग जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे करेंसी रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ पड़ा है। सच है, क्योंकि करेंसी रेट का काफ़ी इशू चल रहा है, मतलब इशू इन द सेंस कि इंडिया और इटली पाकिस्तान का थोड़ा सा करेंसी रेशो है। तो इस हिसाब से मैंने बताया कि 60-70 लाख रुपए, ऐसा नहीं है कि मतलब उतना, तो डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट कैसा है। ठीक है, सच है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जाओगे, जॉब्स मिल जाएंगी, पैसा कमा लोगे। एक बात याद रखना, कोई भी अब्रॉड कंट्री है, खाली पेट तो कोई नहीं सोता होगा। मतलब कंट्री के गवर्नमेंट लॉज ऐसे तो होंगे कि इन बच्चों को जॉब मिल जाए, वो अपना कमाई करें स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि तुम पहले स्टूडेंट होगे इटली आने वाले। मेरे जैसे 36 पढ़े हुए हैं, तो 36 के 36 जॉब कर रहे हैं, चलो 32 जॉब कर रहे हैं, 4 अपने घर वालों के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन जिसने करनी है उसने करनी है, और जिसने करनी है उसने कर लेनी है, समझ रहे हो? तुम कितना जोर लगा लो, कितना एफर्ट पुट कर लो, कुछ भी कर लो यार, जिसने करना है उसने उखाड़ लेना है, मेरा तो ये मानना है। देखो, उखाड़ वही नहीं पाता, कर वही नहीं पाता जिसके मन में डाउट रहता है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने आप को लेके, वही इंसान डूबता है कि हाँ भाई ऐसा सीन है ना। तो मैं कभी नहीं, मेरी वीडियोस तुम कोई भी उठा लो, मैंने इटली को बोला इटली अच्छी नहीं है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर है, वो तो यार तुम साउथ से पंजाब में आ जाओ इंडिया में जॉब करने, तो लैंग्वेज बैरियर तो हर जगह रहेगा यार। चाहे तुम्हारी पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है, ओके, बट तुम्हें सर्वाइव भी तो करना है। बट तुम ऑन द अदर हैंड ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हें एक लैंग्वेज सीखने को मिल रही है? बाई चांस तुम अपने कनाडा वाले फ्रेंड को फोन लगाओगे, तुम एक लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम्हारा CV वो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, इंग्लिश 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 तो तुम्हें आती है ना। अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक न्यू लैंग्वेज सीखने की, नए लोगों से मिलने की, नए लोगों से बात करने की, तो डरना किस बात का है? मेरा ये नहीं सिंपल सा है, मैं पंजाब से हूँ, मेरे को जॉब मिली हैदराबाद में या चेन्नई में, फॉर एग्जाम्पल जाऊँगा तो मैं चेन्नई सीखनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ की जो नॉर्मल लैंग्वेज है, तमिल जो भी है, वहाँ पे मेरे को सीखना पड़ेगा वहाँ जाके ना। ट्रू, मेरे को वहाँ जाके सीखनी पड़ेगी वहाँ की लैंग्वेज, इसलिए नहीं कि मेरी पढ़ाई वहाँ पे ऐसी है, मेरी जॉब क्यों, मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को लंबे टाइम के लिए रहना है, मेरे को दोस्त बनाने हैं, मेरे को जॉब्स करनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलेट करने मत बैठ जाना, ठीक है, कि रिलेट कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा भैया ऐसा नहीं, ऐसा तो ऐसे लोग भी हैं जो बाद में भैया भैया करके करते हैं, भैया आपने ये क्लियर नहीं किया, भैया वो नहीं क्लियर किया, तो वही मेरे से मैंने शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो कि ये चीज़ क्लियर हो जाए तुम लोगों को। तो ये चीज़ है यार कि मेरा, मैं बताता हूँ, आप बोलते हो भैया आप क्या लगता है कि भैया USA में ज़्यादा पैसा है, कनाडा में ज़्यादा पैसा है? नो डाउट भाई, पैसा है भाई। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो USA की पढ़ाई 30-35 लाख रुपया, जाओ USA पढ़ो यार, कोई इशू नहीं है, USA जाके पढ़ो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बैक है, आपकी बैक स्ट्रांग है, कनाडा USA जाओ पढ़ो, वहाँ जाके जॉब करो, पढ़ो।
एंडेड का पॉइंट जॉब दोनों को सेम ही करनी पड़ेगी, चाहे वो इटली वाले हैं चाहे वो कनाडा वाले हैं। वहाँ पे कोई तुम्हें कोट नहीं पहना देगा और इटली में कोई कोट नहीं पहना देगा। जब तक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक धक्के नहीं खाओगे, गिरोगे नहीं, तो ठीक है। मैं तो इटालियन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि मैं भी हूँ, मेरे को आज भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में मेरे को आज भी दिक्कत होती है, तो उसमें कोई वो नहीं है मेरे को। तो सोचो इंग्लिश भी तो सीखी ना, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो वैसे इटालियन भी है, सीख लोगे। लोगों ने बस एक ही लाइन पकड़ी, इटालियन लैंग्वेज इज अ बैरियर, इटालियन लैंग्वेज इज अ बैरियर। इट्स नॉट अ बैरियर ब्रो, इट्स नॉट अ बैरियर, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बैरियर। अगर तुम्हारे लोगों ने, जो लोग बोलते हैं इट्स अ बैरियर, वो सीख नहीं पाते, या तो उनके पास टाइम नहीं है, या तो वो सीखना नहीं चाहते, या तो वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, या तो वो उनको बंद कमरे पसंद है। देखो मेरे को बंद कमरे नहीं पसंद, मेरे को बाहर जाके एक्सप्लोर करना पसंद है, अच्छे दोस्त बनाना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। गलत बोलूंगा कोई नहीं, मैं गलत बोलता हूँ इटालियन कोई बात नहीं, सामने वाले को ऐसे ही सीखता है इंसान, लैंग्वेज है। ऐसे तो नहीं है कि एक बारी में इंसान सीख गया कि लो सीख गए, तो ये सीन है। और क्यों मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे को गुस्सा आता है। देखो तुम किसी बच्चे के हाथ से क्यों अपॉर्चुनिटी, यार बहुत से डेडिकेटेड बच्चे हैं जिन जो डिजर्व करते हैं और जिनका वीजा 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बहुत बच्चे हैं जो जिनको पता है, उनके गोल्स क्लियर हैं, जिनके गोल्स क्लियर नहीं होते ना, जो ऐसे ऐसे चलते हैं, उन्हीं की नैया डूबती है, ये भी सच है, उन्हीं की नैया डूबती है, ये बात याद रखना, ठीक है। डेडिकेटेड बच्चे की नैया कभी नहीं डूबती, उसके साथ भगवान भी रहता है और उसकी मुकद्दर हमेशा स्ट्रांग रहता है, उसकी किस्मत हमेशा स्ट्रांग रहती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब मैं क्यों बताता हूँ इटली क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यार, तुम बाकी कंट्रीज जाओगे, 30-35 लाख रुपए खर्च के पढ़ाई करनी है, तो यहाँ आके पढ़ लो ना, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या है, एक से एक 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 क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना है, वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं धीरे धीरे, वो सब। एक स्कॉलरशिप पढ़ने वाले हो तो बैचलर्स कह रहे हो 3 साल स्कॉलरशिप खाओ, मास्टर्स के हो 2 साल स्कॉलरशिप खाओ, पार्ट टाइम जॉब्स करो। स्कॉलरशिप भी कोई ऐसा नहीं है कि 500 यूरो मिल रही है, 200 यूरो मिल रही है, 6,000-7,000 यूरो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और क्या चाहिए, मेरे को ये नहीं समझ आता। पढ़ने के लिए गवर्नमेंट आपको एंटरटेन कर रही है, क्यों करे गवर्नमेंट एंटरटेन, यार नहीं करना चाहिए, वो ना करे, तुम आओ पढ़ो अपना फीस दो। वो इसलिए करते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, उनको पता है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। और जो लोग बोलते हो भैया यार फिर जॉब स्कोप क्या है, वो स्कोप क्या है, ये स्कोप क्या है, अरे यार पहले स्टडी, पहले पहला स्कोप है यहाँ पहुंचना, पहला स्कोप है यहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंचोगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, उसके बाद 36 रास्ते हैं तुम्हारे पास। अगर अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे नंबर से पास होते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ यार, नौकरी की कमी है क्या, मेरे को ये बताओ। नहीं है भाई कमी, कहीं पे भी कमी नहीं है कि तुम सोचो नौकरी की कमी है। ये फालतू के सवाल लगते हैं मेरे को, ये जो लोग बोलते हैं भैया इसका स्कोप है इटली में कि नहीं, क्यों रहना है इटली यार, अगर उसका स्कोप नहीं है तो जर्मनी चले जाना, जहां उसका स्कोप है वहां चले जाना। मेरा मे तुम पढ़ने तो आओ, पहले उस क्वालिटी की एजुकेशन तो लो कि तुम लोगों के साथ कॉम्पिटिट कर सको। जब तुम लोगों के साथ टक्कर ही नहीं दे पाओगे तो लोग तो तुम्हें धर करके भाग जाएंगे आगे। देखो यहाँ पे सर्वाइव करना ना बहुत मुश्किल है, या तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा कि आपको सर्वाइव करना है, तो आप फाड़ दोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप फाड़ दोगे, बोलोगे कोई मसला ही नहीं है, है ना, ये कर लेंगे। देखो करने वाले तो इंडिया में भी पढ़ाई कर लेते हैं, आईटीआई से करके, आईआईटी में है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह करके गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल लेते हैं, करते हैं यार, ऐसा नहीं कि सभी अब्रॉड आते हैं। और अब्रॉड आना क्या है, मतलब मेरे को लगता है, लोगों को लगता है बहुत हेल्पफुल है भाई, फैमिली देखने को तरस जाता है इंसान, 2-2 साल हो जाते हैं, मीठी जेल है, ए काइंड ऑफ मीठी जेल है, एक बार इस जेल में आ जाओ, सब कुछ है यहाँ पे, मिलता है खाने पीने को सब कुछ। यार मैं क्यों नहीं बोलता, मेरे को बहुत कुछ दिया इटली ने यार, मैं क्यों इटली को इतना सब वो करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ दिया है उसने लाइफ में, चेंजेस लेके आया, जीने का तरीका सिखाया, हर चीज़ सिखाई यार इटली ने, पढ़ाई हर चीज़ दी, हर चीज़ दी यार, मतलब जहाँ मैं गिरा वहाँ इसने उठाया मेरे को। लैंग्वेज एक बैरियर था, गवर्नमेंट ने हेल्प किया, स्कूल्स हैं यहाँ पे, इतना कुछ हेल्प करवाई, सीखा मैंने, एग्जाम्स दिए, पास हुआ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि तुम उस बिहाफ पे चल रहे हो कि नहीं यार इटली, लोगों के क्लिक बेट यू खत्म ही नहीं होते कि नो डोंट कम इटली, ऐसा वैसा, बाद में इटली ही बुला रहे होते हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है ये। ये वीडियो मेरा यही बनाने का है कि ये मत सोचो यार तुम्हारा स्कोप इटली में है कि नहीं, ये देखो कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मेरे को स्कोप कहाँ मिलता है। तो वो डिग्री कंप्लीट करके आप इंटरव्यूज दो, हर चीज करो, आप निकलो उस कंट्री में, निकलो नीदरलैंड्स, अमेरिका, यूएसए। अगर भाई तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना तो दुनिया झुक के सलाम करेगी, अगर नहीं टैलेंट है ना तो तुम मैं जो कहीं से भी पढ़ लो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात लिख लो मेरी आज।
तुम्हारे अंदर है हुनर, तुमको आता है काम, तुम कर सकते हो, तो तुम जिंदगी में कुछ भी उखाड़ सकते हो। अगर नहीं तो भाई जय श्री राम, कुछ नहीं होने वाला, ये बात याद रखना, ठीक है? क्योंकि तुम अगर किसी के कहने पे चल रहे हो ना, कि अगर मैं बोल दूँ टाइप करके कि बहुत स्कोप है, तो दैट मीन मैं तुम्हारा फ्यूचर खतरे में डाल रहा हूँ यार। कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है, तो ये सच है भाई। सुनो सबकी, करो अपनी। मैं तो बता सकता हूँ इटली कैसा है कैसा नहीं। लोग बोलते हैं भैया ये कोर्स क्या, ये कोर्स की बेस्ट यूनिवर्सिटी बताओ। अरे सब बेस्ट यूनिवर्सिटी है भाई, पढ़ने वाले तुम हो यार। भाई डिग्री दीवारों पे अच्छी लगती है, हाथों में नहीं अच्छी लगती। जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे, चीज़ें नहीं देखोगे, कैसे होगा यार? फील्ड में अभी आए नहीं हो, पहले से पूछ रहे हो यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है। अरे यूनिवर्सिटी इटली में जितनी भी है सब वर्ल्ड क्लास अच्छी है भाई। तुम इटली पढ़ने आ रहे हो और तुम्हारा कोर्स जहाँ पे भी मिल रहा है बेस्ट है भाई। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज वो दूसरा सीन होता है क्या, यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा कम है? भाई मैं तुम्हें ये भी बोल रहा हूँ, तुम ऑक्सफर्ड से जाके पढ़ लो यार, ऑक्सफर्ड से पढ़ लो। कहीं ना कहीं भाई तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारा देखो यार डिग्री क्या करती है, तुम्हें एक दरवाज़ा होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरव्यू डोर, वो उसकी चाबी होती है। वो आपको वो डिग्री से आपकी वो गेट खुल जाएगा, बाकी अंदर जाके ना आपको फाड़ना है। जो बंदा पूछेगा आपसे सवाल जवाब जो भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो भी, आपका आपने क्या सीखा क्या नहीं, भाई तुमने उखाड़ना है उसको। कोई कुछ नहीं करने वाला, ये बात याद रखना, कोई कुछ नहीं करने वाला, वो तुमने उखाड़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए। कि तुम ये देखो कि तुम वहाँ जाके पढ़ना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे। देखो मेन गोल है वीज़ा आना। यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, यहाँ आके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो यार। लोग खाना खाते हैं, जंगल थोड़ी है, लोग खाना भी खाते हैं, लोग कमाते भी हैं, लोग रहते भी हैं, लोग पागल थोड़ी हैं। मैं पागल थोड़ी 2 साल से यहाँ पे हूँ, कमा रहा हूँ खा रहा हूँ तभी तो हूँ। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो मैं इंडिया बैठा होता। ये चीज़ क्यों नहीं समझते आप लोग? ये चीज़ समझोगे तो सही रहेगा यार। देखो मैं आपका भाई हूँ, तो इसलिए जो भाई दिल पे बोल रहे हैं, खुले दिल से बोलते हैं अपन, कि किसी को बुरा लगे तो लगे, ना लगे तो फिर तो अपने भाई हो तुम, कोई मसला नहीं है। तो बस यही सीन है यार, जितनी जल्दी समझ लोगे भाई उतना बढ़िया है। गोल रखो पढ़ने आना है यहाँ पे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर, अच्छी चीज़ें सीखो, प्रैक्टिकल वर्क सीखो, सब कुछ करो, इंटर्नशिप फाइंड करो। देखो यार पहला बैरियर हमेशा डिफिकल्ट होगा यार, ये बात याद रखना। जिस बंदे ने पहला बैरियर क्रॉस कर दिया ना, वो ज़िंदगी के हर बैरियर क्रॉस कर सकता है, ये बात याद रखना। और लाइफ में मोरल डाउन नहीं करना, इटली एक अच्छी कंट्री है, मैं आज भी बोल रहा हूँ इटली एक अच्छी कंट्री है, इससे भी अच्छी कंट्रीज हैं, बट एजुकेशन के हिसाब से मैं इटली को टॉप पे रखना पसंद करूंगा। जो कंट्री आपको स्कॉलरशिप भी देती है आप पे, बट यार आप लोग मिसयूज़ मत करो उस स्कॉलरशिप का, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, उसका मिसयूज़ मत करो। अपनी डिग्री कंप्लीट करो, अच्छे नंबर से करो, कंट्री को कंट्रीब्यूट करो, काम करते हो टैक्स भरो, 2 नंबर में काम मत करो यहाँ पे, लीगली अपना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो, कंट्री को कॉन्ट्रीब्यूट करो। क्योंकि तुम करोगे तो कंट्री तुम्हारा ध्यान रखेगी ना, तुम्हारा रखती है ध्यान, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से तुम्हारा ध्यान रखा जाता है। तुम्हें फ्री एजुकेशन दे रही है, सब कुछ दे रहा है यार, तुम वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे को ये समझ नहीं आता। तो ये छोड़ो ये फालतू डू नॉट कम इटली बिफोर वॉचिंग ये वो ऐसा वैसा, इटली ही आओ, ट्रस्ट करो मेरे पे। पहली बात तो यार वीज़ा सबका नहीं लगता, ये मैं पहले बता रहा हूँ भाई। तुम्हारी फाइल पे मैटर करता है, तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है उस पर मैटर करता है, तुमने क्या उखाड़ा ज़िंदगी में और क्या उखाड़ोगे, ये सब तुम पे है। वीज़ा आना ना आना तुम्हारे हाथ में है, बस ये बात याद रखना, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, जिसको लगता है कि इटली उसके लिए एक अच्छी कंट्री है तो आ सकते हो, जिसको नहीं लगता तो वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जो भी उसकी ड्रीम कंट्री है वहाँ जा सकते हो। ड्रीम कंट्री कुछ भी नहीं होती, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है भाई, किसी को भी बना बनाया महल नहीं मिलता, महल खुद ही बनाना पड़ता है, ये बात याद रखना, ठीक है? तो जितनी जितना मेहनत करोगे लाइफ में उतनी अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के पास। चलो फिर राम राम, ध्यान रखो अपना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी 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 सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो बाय बाय, टेक केयर।